तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल सुनसान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर। कहीं तनचनूर तो नहीं बजा रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक बंद करके ही रखना। हाँ। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आने वालों को वहीं पर रोकना होगा। सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा, पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तलाचेनूर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा, राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलाकपू नायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तलाचेनूर स्वयं आ रहे हैं, तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल, इरामा, पल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धन दौलत यहीं आ पहुंचती है। सामुद्री के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं, फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाया तलका अपना है। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। इरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियां कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। महामंत्री जी, क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो। कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुदिरी के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा, और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तलाचेनूर महोदय। गलियारे में सुनहरा कालीन बिछा के, चारों ओर जगमगाते दीपक जला के, महकते हुए चंपा चमेली बिखरा के, कस्तूरी और चंदन छिड़क कर, सजावट के लिए तश्तरी और आईना लगाकर, दूध से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उज्जवलित करने के लिए रेशम की बाती से अलंकृत करते हुए विदेशियों को सुख बेचती हैं यहाँ की लड़कियाँ। और ये लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं होता। ये यहाँ का संचालक है महोदय, इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया। महामंत्री, जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना दी, स्त्री पुरुष सभी लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं भी भाग रहा था, उस कोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारीचंद को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा। उसके साथ उन्नी माया भी गई। बड़े ही उद्दंड लोग थे, वो यहाँ की अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए। छत पर पायल पहनकर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं? चमगादड़ या किसी बंदर के, या देवी माँ स्वयं दर्शन देने आई? चाहे जो भी हो, हम उसे देखना चाहेंगे। इरा, अब तांबूल हो जाए।
यही वो चूहिया हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी नीली माया की छोटी बहन। अच्छा तो कबीले वालों का पोशा उन्नी नीली। हाँ कहाँ से हो? मैं दूर कायमकुलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ। यदि तुम कायमकुलम की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। परदेसी व्यापारी को किसने मारा अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी, कोंगू देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाई तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। गिरामा, चलो और से पहले माया को पकड़ना होगा। सामुदीरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार। उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। हम और कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो उन्नी नीली, नहीं तो यहाँ की हर एक लड़की को इसी तरह प्रताड़ित करके मैं सच उगलवाऊंगी। सरकार, माया दीदी के नृत्य के लिए मैं गीत गाया करती थी, बस यही काम था मेरा। सारा परिश्रम हम लोग करते थे और धन माया दीदी रखती, मुझसे और सहा नहीं गया इसलिए हत्या करनी पड़ी। दीदी को वश में करने वाले परदेसी को मार दिया। वो उन परदेसी व्यापारियों में से नहीं था जो यहाँ छोटे मोटे व्यापार करने आते। वो अपने पास असीमित सोना और हीरे मोती रखता था। ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तब तक कौन जीवित रहेगा ये किसे पता। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी महामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई इस कोंधी नायर की बातों में आकर। मदिरा और अफीम देकर उस परदेसी को वश में करके चतुराई से कुछ रत्न बेचने की हमने योजना बनाई थी। तुम नाचने वालों के पास ढेर सारे रत्न है कहते ही परदेसी ने तुम पर विश्वास किया। विश्वास नहीं किया महामंत्री, जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था वो। डच सेना तालाकापू नायर को उपहार में दिए रत्न थे वो। उन्हें खरीदने का धन यहाँ वल्लुवा राज्य में किसके पास है। उन रत्नों को बेचना चाहते थे उस परदेसी को। नृत्य की रात हवेली के पीछे मंदिर के पास सौदा करने का निश्चय किया। अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती। बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुंची। रत्न हाथ लगते ही परदेसी का रवैया बदल गया। उसने कहा वो कांच के टुकड़े हैं। जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तब मुझे लगा कि वो परदेसी उन्हें दिए बिना ही चला जाएगा। मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। उस विवाद के बीच जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली तो साहस जुटाकर मैंने उस पर वार कर दिया। वो परदेसी मर गया। शव को ठिकाने लगाने से पहले ही हमें ढूंढते ढूंढते कुमरन वहां आया।
और चिल्ला चिल्ला के लोगों को एकत्रित कर लिया। निर्दोष होते हुए भी माया दीदी पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए अपना अपराध स्वीकार कर मैंने उन्हें भागने दिया। महामंत्री, जीवन बसर करने के लिए जो अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है। उल्ली नीली, माया से भूल हो गई। तुम केवल गायिका नहीं हो बल्कि अभिनेत्री भी हो, एक कुशल अभिनेत्री। काल्पनिक रत्नों का रहस्य रहने दो। उस मंदिर के आसपास कांटों भरे बबूल के पेड़ हैं। कोया का शव देखने यदि तुम वहां गई होती तो सारे शरीर में बिना खरोंच के तुम लौट नहीं पाती। वहां के कीचड़ों में तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं छपे। तुमने इस कोठे के बाहर कदम तक नहीं रखे। तुम जिन रत्नों को बेचना चाहती थी उनकी शुद्धता कितनी थी नीली, वो कहां गए होंगे इसका पता भी नहीं होगा। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही हो? उस रात नाच गाने के बाद जिसके साथ तुमने इसका सौदा किया वो परदेसी समर कोया नहीं था। उस रात जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ था ये पत्थर उसके पास मिला। केवल इतना ही नहीं, किसी की जान लेने की मनोदशा है तुम में उन्हीं ने ली। तुमने जो नाटक किया उसके पर्दे के पीछे चाहे कोई भी छिपा हो, उसे कल सूर्योदय से पहले सामुदेरी महाराज का मंत्री ये तलचेनोर बाहर लेकर आएगा। क्षण भर के लिए भी ये सोने ना पाए, असली खेल तो अब मैं खेलूंगा। जो भाग गए थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली रामा?